हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, 5.75 रूपए बढ़त के साथ 390.25 रूपए पर क्लोजिंग दिया है। अभी देखा है तो ये डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे देखा तो एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देकर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है देखिए, ये बहुत दिन से इसी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था, बट यहाँ पे देखिए तो ये ब्रेकडाउन देके फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए पैटर्न बना रहा, यहाँ पे कुछ दिन तक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने में फिर ब्रेकआउट दिया, इसको ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया, बट वहां पे सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे की तरफ आया। अभी देखिए अपना लोअर लो लोअर हाई बना रहा, यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बना रहा। अभी इसको जैसे ब्रेक करता है 350 करीब ब्रेक करेगा, ये जो रेड कलर की लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज 317 पे आके ये यहाँ पे रिवर्सल ले सकता है। यहाँ पे लाके अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो भी आपको इसमें एंट्री बनानी है। और थोड़ा सा एक और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे जब तक ये वाला जो है एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसमें एंट्री मत बनाइए, क्योंकि अभी ये देखिए प्राइस एक्शन बना रहा, कभी भी अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। ये वाला हाई रहा, फिर इसको ऊपर गया, वक्त ये हाई बना, अब इस बार इसको तोड़ने की कोशिश की, बट इसका हाई ब्रेक नहीं किया। ये वाला हाई यहाँ तक आया है, यहाँ ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे की तरफ आ गया। अब ये वाला गया है यहाँ पर, बट यहीं से देखिए नीचे की तरफ आ जाएगा, तो अपने हाई को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आप इसमें एंट्री मत बनाइएगा, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में चला, कब तक ये रिवर्सल लेगा कभी ये मालूम नहीं है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर कोई कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तभी आप इसमें एंट्री बनाइएगा। ये 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है जहाँ पे भी आए वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।